अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम पार्ट टू, राइट। और हमारा बहुत ही अहम टॉपिक चल रहा है उसके अंदर। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सेल्स लेटर, ठीक है ना। लेटर्स का पोर्शन हमने शुरू कर दिया है। लेटर का पोर्शन बड़ा ही दबंग इसका सेक्शन है और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लेटर्स इसके अंदर लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने वसी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने वसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक लेटर लिखा था और एक लेटर हमने आपको होमवर्क दिया था। ओके वर्ता, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, बात ये कि मैंने एक लेटर से लिखा था लास्ट क्लास में और एक लेटर मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। सो माय क्वेश्चन इज, वेयर इज दैट लेटर जिन्होंने नहीं लिखा था, उनकी बात करो। अच्छे बच्चे तो उन्होंने लिख लिया था, लेकिन जाहिर है अच्छे लोग कम है, इसी तरह अच्छे बच्चे भी मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने आप में से मुझे रिप्लाई दिया, बहुत कम बच्चों ने आपने से मुझे लेटर लिखकर दिखाया। वर्दा का लेटर मुझे याद नहीं है, तैमूर का भी मुझे याद नहीं है, अलैना का भी मुझे याद नहीं, सहर का भी मुझे याद नहीं, साथ शफीक का भी मुझे याद नहीं, रिमशा, निमरा, ठीक है ना, इनका भी याद नहीं, हसन, मिनाल मुझे शायद याद आ रहा है। तो भाई कहाँ है तुम लोगों के लेटर्स, क्या कर रहे हो घर में? आज खबर आई है आप लोगों के पेपर लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कह दिया है, पता है आपको? ओके, इकरा ने दिया था, ठीक है। अच्छा चले भारत, तो भाई गुड न्यूज ये है कि यूनिवर्सिटी ने बीकॉम समेत तमाम क्लासेस के बारे में आज अपडेट दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, और दो चार उन्होंने अपडेट दिए एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये मैंने लेटर दिया था लास्ट क्लास में कि राइट अ सेल्स लेटर टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द न्यू सेल फोन्स अवेलेबल एट योर आउटलेट, अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। दिस वाज द लेटर आई वांट यू टू राइट एंड अ गुड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिटन। अच्छे बच्चों ने डेफिनेटली लिख दिया है लेटर, कुछ बच्चों ने नहीं भी लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात। ओके, सो अच्छा, हमने जो सेल्स लेटर करे वो दो थे और दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड थे, ठीक है ना। ये जो सेल्स लेटर था ये टीवी का था और टीवी के बाद ये आ गया मोबाइल का। अब हम लिखेंगे एक सेल्स लेटर, सेल्स लेटर हम लिखेंगे किसी और चीज का। आप सजेशन भी दे सकते हैं चैट में कि किस चीज का सेल्स लेटर आप चाहेंगे कि लिखना चाहिए। सर मैं आज दे दूंगी, मैं लास्ट क्लास में नहीं ली, कोई बात नहीं बेटा। पेपर्स बेटा, पहली बात तो ये कि वो प्राइवेट वाले बच्चे, प्राइवेट वाले कुछ बच्चे भी नहीं भी हैं ऑनलाइन, वो प्राइवेट वाले बच्चे के जो जिनके एक दो पेपर रह गए थे मैं उनसे मुखातिब। आपका 16 जुलाई को पेपर हो सकता है, आज 7 है, यानी कि 8 और 7 15 और 8 और 8 16, आठवें दिन आज से आपका पेपर हो सकता है। प्राइवेट वाले मुखातिब हूँ, प्राइवेट वालों से अचानक से, मैंने कहा था, मैं कितनी बार मैंने आप लोगों की क्लास में फोड़ा है कि यूनिवर्सिटी अचानक से बम फोड़ सकती है, यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी कैन डू एनीथिंग। सुबह उठ के बोले दोपहर में पेपर, ये ऐसे लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, टोटली अनप्रोफेशनल, अस्तगफुरुल्लाह, तो सुन ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बहुत है वहाँ पे, किसी ने जान पहचान वाले सुन लिया कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ लोगों के बारे में, सारे नहीं तो कम कम लोग हैं लेकिन हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, एक और सेल्स लेटर हम करेंगे, क्योंकि दो तो करें ना यार, राइट आ सेल्स लेटर। अच्छा, दिस इज द लास्ट लेटर राइट ना, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे दोबारा, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर दोबारा लेटर की तरफ आए। तो लेटर 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 बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है, एक ही चीज रोजाना बिरयानी 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 खिलाओ अगर आपको, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको बिरयानी पसंद आने नहीं लगेगी, इसलिए हम वी विल शिफ्ट अगेन। राइट नाउ माय हेयर इन देयर नहीं है, लेकिन पास पेपर्स हैं और आप लोगों के पास भी पास पेपर्स होनी चाहिए, मार्केट में पास पेपर्स अवेलेबल है तो आप लोग खरीद लें, ठीक है। राइट अ सेल्स लेटर, तो द प्रोस्पेक्टिव
customer. Asking for money. To provide information about new sports goods available at your outlet. वही करवा रहा हूँ जो ज्यादा repeated है, ये आया हुआ है भाई, याद हो जाता है ना हमें तो, हिप्स हो जाता है. Write a sales letter to the prospective customer to provide information about new sports goods available at your outlet. ठीक है जी. निम्रा आप मुझे भेजिएगा, ठीक है ना, आप जो चाह रही हैं वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा. So, here is the question. Yes, bracket में लिखेंगे. Assume necessary details. ठीक है जी. Now, first of all, we will put a heading. हम इसमें सबसे पहले एक heading डालेंगे. ठीक है जी. Insert पर क्लिक करेंगे. इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड पे क्लिक करेंगे. वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शन देगा. अच्छा से सिलेक्ट करेंगे पर्पल वन, वसी स्पोर्ट्स आइटम्स. हाँ, वसी स्पोर्ट्स आइटम्स. हाँ, ये है आपका लेटर हेड का पहला हिस्सा. ठीक है जी. अब लेटर का दूसरा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ. फिर इंसर्ट पर दोबारा से क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और किसी पे भी अकड़म बकड़म किसी पे भी क्लिक कर देंगे. क्योंकि अब आप क्या करेंगे, अब आप होम पर क्लिक करके नो स्पेस पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ही छोटा हो जाए. अब हम इसका एड्रेस लिखेंगे B48. हम अपने स्कूल का एड्रेस लिख रहे हैं, ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल गराज. ठीक है जी, ये है हमारा एड्रेस. कैसा? बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए. वसी स्पोर्ट्स आइटम्स हब B48 ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल कराची. बेटा कोचिंग जरूर कभी ना कभी ओपन होंगे, ठीक है ना, कब होंगे वी डोंट नो. सवाल आया चैट में, जवाब दे दिया मैंने. एड्रेस कोई भी लिख दें पेपर में. हाँ हाँ, कोई भी लिख दें, कराची का लिख दीजिएगा, ठीक है ना, सियालकोट का लिख दीजिएगा. लेकिन द एड्रेस शुड बी वैलिड एटलीस्ट. देखिए जैसा कि मैंने आपके सामने ये जो एड्रेस लिखा है, दिस इज अ वैलिड एड्रेस, कोई गलती नहीं है इसके अंदर. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. पहले क्लास ले लू ना, क्या यार मोबाइल बार बार बजता रहता है, आई हेट दिस. बंद भी नहीं कर सकते, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए. अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें जी, लेटर हेड बना लिया. जो चीज हम बेच रहे हैं, जो चीज हम बेच रहे हैं उसी से रिलेटेड हमें लिखना होगा ना. जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का था तो वसी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल का था तो वसी टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स का आ गया तो वसी स्पोर्ट्स. आ रही समझ में? वसी विल रिमेन द सेम. आप अपना अपना नाम लिख लें, हम अपना नाम लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. मरियम मरियम लिख लें, तैमूर तैमूर लिख लें, मुस्तफा मुस्तफा लिख लें,
कोई आप साथ साथ लिख लेंगे, व्हाट एवर यू वॉन्ट, कोई भी नाम लिख सकता है, इट डजंट मीन. ओके, सबसे पहले द फर्स्ट चीज थिंक इज व्हाट, रेफरेंस नंबर. रेफरेंस नंबर आएगा, इट वाज सी स्पोर्ट्स आइटम्स हब, कैपिटल में आएगा, वसी स्पोर्ट्स आइटम्स हब, स्लैश गुलशन स्लैश 2020 स्लैश लेटर नंबर 865. आखिरी में जो नंबर होता है वो लेटर, कितने लेटर लिखे इस साल के, कितने लेटर हो गए, ये 865वां लेटर हम इस साल का लिख रहे हैं. ठीक है, जैसे ही महीना शुरू होता है, साल का पहला महीना, तो मुझे तकरीबन लेटर्स निकालने होते हैं कुछ 350-400 लेटर, तो मैं पहले महीने में निकालता हूँ. 30 दिन के अंदर 450 लेटर कम से कम जरूर निकलते हैं. वो सबके रूटीन लेटर होते हैं, सिर्फ नाम चेंज, लेटर निकाला, सबको लेटर देते हैं, फिर वहाँ से रिप्लाई आते हैं, वो पढ़ना वगैरह. तो भाई ऐसा नहीं कि जॉब पर काम नहीं, तो स्मार्ट वर्किंग होती है. आप कम वक्त में ज़्यादा काम किस तरीके से कर सकते हैं, अब हमारी टीम है, ठीक है ना, तुम पढ़ के बता देना, तुम कोई एक्सेप्शन चीज़ आए तो हर चीज़ का ये रिप्लाई कर देना. तो स्मार्ट वर्किंग का दौर है, आप अपने पास बंदे रखते हैं, उनसे काम ज़्यादा लेते हैं. सबसे पहले लेटर हेड की हेडिंग आ गई, रेफरेंस नंबर, देन नंबर 3. दो तरीके हैं लिखने के, 7 जुलाई कॉमा स्पेस 2020. ये भी अच्छा तरीका है डेट लिखने का. इसके बाद एक लाइन का गैप देते हैं, उसके बाद अब आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, उस बंदे का नाम आएगा, मिस्टर इमरान खान, आर 130 सेक्टर 8 नॉर्थ कराची टाउन कराची सेल 03411234567. ठीक है जी, हमने सबसे पहले बंदे का नाम लिखा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उस बंदे का. अच्छा, ये हमने लिखा पर्सनल. इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ठीक है ना. ये देखें, अगर आप इंडिविजुअल को भी लिख सकते हैं और उसको भी, जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमने उनको लेटर लिख दिया. लेकिन अगर हम किसी इदारे को लिखना चाहें तो हम इदारे को भी लिख सकते हैं. लेट्स चलें, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि इसको मैं इदारे में कर रहा हूँ. मेसर्स, जब इदारे में लिखेंगे तो नाम लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसका ओहदा आएगा, मैनेजर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफिस, कितना फिर एड्रेस है या जगह चले खैर होगी. ठीक है जी, अगर सिर्फ ये मैं पर्सनल इमरान खान साहब को उनके घर पे लिख रहा होता तो ये दो लाइनें जो हैं ये हाईलाइट में कर देता हूँ, दो लाइनें नहीं आएंगी, बाकी पूरा एज इट इज आएगा. ये दोनों नहीं आएंगी, बाकी पूरा एज इट इज आएगा. सही है ना. इसके बाद आता जी एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में भी लिखा जाता है और इसको बोल्ड और अंडरलाइन भी किया जाता है. कैपिटल लेटर, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है ना, नए स्पोर्ट्स गुड्स आ गए हैं जी, हमने ऐसा बल्ला ले लिया जिस पर गेंद लग गई छक्का लाजमी हो जाएगा मिसाल के तौर. अच्छा, डियर मिस्टर खान, दिस इज, तो सब्जेक्ट आएगा इनसाइड एड्रेस, ये था इनसाइड एड्रेस, ये है सब्जेक्ट और ये है सैल्यूटेशन. इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन. ठीक है जी, यार मैच अब होने वाले हैं दोबारा से शुरू. देखो आहिस्ता आहिस्ता करके मैच भी होने वाले हैं. वो पीएसएल तो कोरोना की नजर हो गया, कोरोना जीत गया पीएसएल इस बार, है ना.
मैं तो इरादा था मेरा जाने का, मतलब मैं देखने और मैं नहीं जा सका। चलेंगे हम लोग, सही है ना? आप लोग रेडी रहिएगा, आई कैन अरेंज टिकट्स, तो वी विल गो टुगेदर। बहुत सारी काम हम करते हैं, लेकिन हमारी तो पार्ट टू, पार्ट वन में पार्ट टू में बस अजीब व गरीब हो गई पार्ट टू। नहीं, चले आगे बढ़ते। Dear Mr. Khan, with the reference to the subject cited above, with reference to the subject cited above, as you are our prospective customer, अजान होने के बाद आगे बोलूंगा, अभी जब तक खामोशी से लिख लें।
ओके तो हमने क्या लिखा कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव यू आर अवर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जैसा कि सब्जेक्ट में जाहिर है कि आप हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं। As you are our prospective customer, we believe that it is our core responsibility to keep you updated. और ये क्योंकि आप हमारे बिल्कुल पुराने कस्टमर हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको अपडेटेड रखें, ठीक है ना, to keep you updated about any availability of goods in that you are interested. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन उस सामान के बारे में आपको जरूर बताएं जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर रोककर मैं आपको एक, जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि आज हमारा एक, पता नहीं मैंने नहीं बताया, लाइव सेशन है आज हमारा एक, उसमें मैं भी हूँगा बीकॉम के हवाले से ही। और आप में से कुछ बच्चों को स्टैट्स मैंने पढ़ाई पार्ट वन, तो सर नदीमुद्दीन साहब की जो मैंने बुक रखी थी उसी से मैंने पढ़ाया था, तो सर नदीम भी होंगे हमारे साथ और सर इमरान खान अकाउंटिंग के जाने माने टीचर वो भी होंगे। हम तीन एक लाइव सेशन कर रहे हैं अबाउट बीकॉम इंफॉर्मेटिव सेशन, जिसमें हम बताएंगे बहुत सारी क्यूरीज आपकी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। आज 10 से 10:15 के दरमियान हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी आपका सवाल हो आप कुछ अपडेट भी करेंगे आपको कि आपके एग्जाम्स के हवाले से क्या सिचुएशन है, जो पिछले साल का रिजल्ट है उसके हवाले से आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ क्या प्लान कर रही हैं, तो हमने सोचा कि अपने बीकॉम के स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक लाइव सेशन रखें, तो ज़रूर देखिएगा आज 10 से 10:15 बजे। वो हमारा पेज है एक कराची एजुकेशन फॉरम, उस पेज पर आप फेसबुक पे देखिएगा, मैं चैट में नाम लिख रहा हूँ कराची एजुकेशन फॉरम, उसको लाइक भी कीजिएगा आप लोग एंड आप शेयर भी कीजिएगा ये लाइव सेशन, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। I hope it will be very useful live session for the BCom students. अच्छा तो अब आगे बात करते हैं। मैंने आई थिंक कम्युनिकेशन की समरी नहीं दी थी ना आपको, है ना, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैंने चैट में जो कॉपी कर सकते हैं बच्चे, ये जून में जितनी भी क्लासेस हुई हो सकता है आपने कुछ मिस की हो, तो ये जो है मैं आपको दे रहा हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर, जिन्होंने रिसेंट ज्वाइन किया उनका भी इसमें भला हो जाएगा। ये मैंने सेंड कर दी, ये सारी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस है जो लास्ट मंथ हुई है, सारे लिंक आप यहाँ से कॉपी कर लें। जिसके पास यहाँ से कॉपी नहीं होता है उसका भी दूसरा हल है, वो भी मिल जाएगा आपको। वाह भाई वाह मरियम, यू आर वेरी फास्ट। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, ये बीकॉम पार्ट टू बिजनेस कम्युनिकेशन की समरी है, काइंडली ये भेज दीजिएगा बच्चों को तमाम को, ठीक है। अच्छा ये हो गया, चल ये भी मैंने आपका हाथ के हाथ ये वाला काम भी कर दिया ना, अभी रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग काफ़ी हद तक। अगर किसी की कोई क्लास निकल गई थी तो वो बोलते हैं ना सर आपने नहीं बताया ये, चलो भाई ये लो पढ़ो, कितना पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा तो नज़र आ रहा है आपको, क्या शो हो रहा है आपके पास, ज़रा देखिएगा। तो हमारा लेटर ही ना, तो दो बातें हमने कर दी आज की क्लास में, सर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिए, जी दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई फिक्र की बात नहीं, मोबाइल रखा हुआ साइड में, बल्कि हाँ यहीं से भी तो दे सकते हो। एम जी सी बॉयस दे दिए जी, बहुत सारे सेशन दे दिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप मेरे YouTube वाले को यार, इसमें इतनी सारी वीडियोस हैं आप देखें आपको बड़ा मजा आएगा।
सारी एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई तफरी वाली नहीं है। होता ये छिजोरापन करो तो बहुत ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर आ जाते हैं। हमारे कोई पढ़ने को तैयारी नहीं है क्या करें, लेकिन हम तो सीधे साधे आदमी हैं तो हमने अपने हिसाब से उसमें वीडियोज रखी, बट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट बीकॉम एंड आफ्टर दैट बीकॉम, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं व्हाट्स एवर। और अभी केसेस से रिलेटेड हम एक सेशन करेंगे, वो भी आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बीकॉम के बाद मैं समझता हूँ सबसे अच्छा फ्यूचर सबसे कम पैसे में अगर बनता है तो सीएसएस करने से बनता है। तो उसमें हम सीएसएस क्वालिफाइड डेप्यूटी कमिश्नर साहब हैं हमारे, डीसी साहब, उनको मैं लाइव लूंगा अपने साथ, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलें आगे बढ़ते। तो हमने क्या लिखा कि भाई हम इट इज अवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू अपडेटेड अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन दैट यू आर इंटरेस्टेड, कि हाँ ये हमारी हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आपको उस तमाम सामान के बारे में बताएं कि जिसमें आप इंटरेस्ट देते हैं। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव इंपोर्टेड द फॉलोइंग यूनिक स्पोर्ट्स आइटम्स, कोई आप भी स्पोर्ट आइटम सजेस्ट कीजिएगा चैट में, चैट में, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव इंपोर्टेड द फॉलोइंग यूनिक स्पोर्ट्स आइटम्स दैट विल मेक यू, मेक खा गया मैं यहाँ पे, दैट विल make you double joyful when you play with these goods. A brief list is as follows: magical bat, lightweight but hit with too much pressure so that the ball will reach far away as much as possible. yani ki pehli ball pe aap kamzor se kamzor banda bhi chhakka maar sakte hain, theek hai ji, okay, latest रैकेट्स, इजी टू कैरी एंड इजी टू मूव, राइट। और कोई बताइए, ऑटो स्विंग बॉल, बस फेंक तो खुद ही स्विंग होगी, बॉल्स, टेनिस होती है, और कौन सी होती है दूसरी, टेनिस बॉल होती है तो दूसरी बॉल कौन सी होती है बताइएगा सर, टेनिस के अलावा एक और होती है ना, एक बॉल होती है दूसरी कॉक की बॉल होती है ना, कॉक, हार्ड बॉल, ओके, टेनिस, हार्ड बॉल, ठीक है जी। वन मोर वी नीड, न्यूली डिजाइन फुटबॉल्स, ठीक है जी, एंड मैनी फुल स्टार, नेक्स्ट लाइन। नाउ व्हाट आर यू, एक काफी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए बिल्कुल एज इट इज की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आर यू, एक दो लेटर ही आएंगे ना एग्जाम में, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट पे अ विजिट टू आवर सेंट्रली एयर कंडीशन शोरूम वेयर वी एंशियसली वेटिंग टू वेलकम यू। वेयर वी एंशियसली वेटिंग टू वेलकम यू, we look forward to receive you soon, yours truly, सलाउद्दीन
जो भी सेल्स मैनेजर, ठीक है जी, साइन करेंगे बीच में, आपको साइन बता चुका हूं पहले भी। साइन करना होगा आपको, सलाउद्दीन है, तो ये ऐसा आएगा और साइन भी हो गया, ठीक है। चलें जी, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes फॉर नमाज एंड देन वी विल कम बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, जो भी आपको कोई बात करनी है अगली क्लास में कर लीजिएगा। आफ्टर मैक्सिमम ऑफ 10 minutes वी विल कम बैक विद द मैक्सिमम ऑफ 10 minutes।